like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था बेटा रे बिल घायल हालत में सीधा एस्गार्ड से टकराता है, जिसके बाद थॉर को पता चलता है कि बिल की ये हालत स्कल्स ने की है और उससे उसका स्टॉर्म ब्रेकर भी स्कल्स ने छीन लिया था और अब स्कल एस्गार्ड पर हमले के लिए आ रहे हैं। अब आ गए। आज का एपिसोड शुरू होता है थॉर से। थॉर ये बात समझ गया था कि उसका मुकाबला जिनसे होने वाला है वो कोई मामूली स्कल्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेटा रे बिल को हराया था जो कि थॉर के जितनी ही पावर और स्ट्रेंथ को होल्ड करता है, और इसलिए थॉर अपने म्यूनिर से वहां पर स्ट्रॉम को बुलाता है और देखते ही देखते जहां ब्रॉक्सटन के आसमान में खिलखिलाती धूप थी उसे अब काले बादल घेरने लगते हैं और तूफान की खबर अब न्यूज पर भी आने लगती है। ब्रॉक्सटन के लोग तूफान आने पर क्या करना है इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वहां अक्सर तूफान आते रहते थे, लेकिन इस समय बेमौसम में तूफान वहां कभी नहीं आया था। लेकिन फिर भी ब्रॉक्सटन के मेयर सभी को एक बड़े से बंकर में छुपने का ऑर्डर देते हैं, जिसे वहां सभी लोग मानते भी हैं और उस बिल्डिंग में जाने लगते हैं। मेरी भी वहां जाते हुए अपनी नर्स से डॉक्टर ब्लेक के बारे में पूछती है, जिसपे उसकी नर्स बोलती है डॉक्टर ब्लेक भी जल्दी ही आ जाएंगे। फिर तभी हमें दिखाया जाता है एस्गार्ड, जहां पर ब्रॉक्सटन की तरह ही तैयारियां चल रही थी। एस्गार्ड में मौजूद हर योद्धा लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। बार्डर लोकी से पूछता है, ट्रिक्स्टर तुम यहां पर खड़े होकर क्यों स्माइल कर रहे हो, तुम भी वॉर के लिए प्रिपेयर हो। यहां इस इवेंट में लोकी एक लड़की है, क्योंकि जब थॉर ने सभी एस्गार्डियन को रैग्नारोक के बाद जिंदा किया था तो लोकी सिर्फ की बॉडी में आ जाता है। बाल्डर की बातों को सुनकर लोकी बोलता है, तुम सब एस्गार्डियन हमेशा वॉर के लिए रेडी रहते हो, पर मैं हमेशा दिमाग से अपना अगला स्टेप चलता हूँ। क्या तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि बिल ने स्क्रल का जिक्र किया था, और ये स्क्रल वही एलियन स्पीसीज हैं जो किसी का भी रूप ले सकते हैं, तो मैं ये कैसे मान लूं कि जो ये बेटा रे बिल है वो एक स्क्रल नहीं है। हो सकता है कि स्क्रल्स ने अपनी वॉर का ऐलान बेटा रे बिल से ही कर दिया हो और अब वो यहाँ से सभी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हो। जिसपे बाल्डर कहता है, देखो ये कौन बोल रहा है जो खुद एक आदमी होके औरत के शरीर में कैद है। पर अब बाल्डर लोकी को कुछ भी कह ले, लेकिन लोकी को जो करना था वो उसके शब्दों ने कर दिया था, और अब ये बात एस्गार्डियन वॉरियर्स में भी धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी थी, जिससे अब वो लोग वॉर के लिए रेडी ना होकर सीधा महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लोकी ये सब देख के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इसकी चाल पूरी तरह से कामयाब हो गई थी। जब सभी वॉरियर्स महल की तरफ आते हैं तो उन्हें बाल्डर रोकता है और उनका विरोध करने का कारण पूछता है, लेकिन एस्गार्डियन वॉरियर बाल्डर की कहां सुनने वाले थे, वो तो बेटा रे बिल को ही स्कल समझ रहे थे। और फिर वो सभी वॉरियर्स बाल्डर से ही लड़ने लगते हैं। तभी एक थंडर वहां उनके बीच में आकर के गिरती है। बाल्डर कहता है, शुक्र है थॉर तुम आ गए। थॉर कहता है, क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो। जिस पे बाल्डर थॉर को बताता है कि ये सब लोग बिल को स्कल समझ रहे हैं, और उन वॉरियर्स का ऐसा सोचना लाजमी भी था, क्योंकि स्कल्स किसी का भी रूप लेने में माहिर होते हैं, तो ये हो सकता है कि बीटा रेबेल उन स्कल्स की सोची समझी साजिश हो। तब थॉर कहता है, अगर ऐसा है कि तुम लोगों को बीटा रेबेल पर शक है तो मेरे पीछे आओ। थॉर बिल के रूम में आता है और बिल से बोलता है, भाई मेरे लोग तुम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और तुमको एक स्कल समझ रहे हैं, इसलिए तुम ये म्यूनिर को लो और इनको साबित करो कि तुम कौन हो। फिर थॉर अपना म्यूनिर बिल की तरफ फेंकता है और फिर तभी बिल म्यूनिर को पकड़ के बोलता है, मैं फिर से जी उठा। म्यूनिर के उठाते ही वहां सभी एस्गार्डियन को अब ये विश्वास हो जाता है कि बीटा रे बिल असली है और वो कोई स्क्रल नहीं है। थॉर जो कि ये ब्लेक बन चुका था उन सभी से कहता है कि अब तो तुम सबको यकीन हो गया ना कि ये मेरा भाई बिल है। पर बाल्डर थॉर से कहता है, उन्हें इस वॉर में थॉर की जरूरत है, इन एस्गार्डियन वॉरियर को लीड कौन करेगा। तो थॉर कहता है, तुम मेरे भाई, तुम और बिल साथ में मिलके इस वॉर को लीड करना। जिसपे बिल कहता है, थॉर मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारे लोगों की हिफाजत मैं ठीक उसी तरह करूंगा जिस तरह मैं मेरे अपनों की किया करता हूँ। फिर बिल थॉर को एस्गार्ड से ब्रॉक्सटन की ओर ले जाने लगता है। थॉर बताता है कि उसने ब्रॉक्सटन में किसी से वादा किया है कि वो उसका बच्चा डिलीवर करके ही जाएगा,
तो बिल कहता है, जैसा तुमको ठीक लगे, लेकिन मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में अपनी पूरी जान लगा दूंगा और एस्गार्ड को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस वक्त हम देखते हैं कि थॉर को क्यों सभी गॉड्स में सबसे ग्रेट कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त जब एस्गार्ड को थॉर की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब थॉर अर्थ पे रह रही लेडी से अपने किए गए प्रॉमिस को निभाने के लिए एस्गार्ड को छोड़ के इन मॉर्टल्स के बीच में आ जाता है, क्योंकि थॉर ने एक ह्यूमन से वादा किया है कि वो उस वक्त जरूर मौजूद होगा जब उस लेडी को डॉक्टर ब्लेक की जरूरत होगी। वहीं पर हम देखते हैं मैरी उस नर्स से डॉक्टर ब्लेक के बारे में पूछती है, लेकिन इधर एस्गार्ड में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से स्कल्स एस्गार्ड पर अटैक कर देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये स्कल्स अब वो स्कल्स नहीं है जिनके पास बस शेप शिफ्टिंग की पावर हुआ करती थी। इन्होंने अपने जीन्स के साथ बदलाव कर लिया है और खुद को जेनेटिक लेवल पर बदल लिया है। यहाँ तक कि इन स्क्रल्स को इनके प्लेनेट पर स्क्रल्स भी नहीं कहा जाता है, इनको वहाँ पर गॉड किलर कहा जाता है। और अब इनके वॉर करने के तरीके से ऐसा ही नजर आता है कि इन्होंने इस वॉर की प्रिपरेशन काफी पहले से कर दी थी। लेकिन एस्गार्डियन भी कुछ कम नहीं है। एस्गार्डियन होने का सिर्फ एक ही मतलब होता है और वो है वॉरियर। जब एस्गार्ड की आर्मी किसी रियल्म पर हमला करने को निकलती है तो उसके दुश्मन बिना लड़े ही उसके सामने हथियार डाल देते हैं। फिर बेटा रेबिल बाल्डर से कहता है, तो अब वॉर यहाँ तक आ पहुंची है। जिस पे वाल्डर कहता है, तो क्या बिल इस वॉर के लिए रेडी है? बिल कहता है हाँ, वो इस वॉर में फाइट करने के लिए और यहाँ तक कि वो मरने के लिए भी रेडी है। अब बिल रेडी होते हुए अपने वॉरियर से कहता है, इन स्क्रल्स के साथ कोई भी रहम मत करना, इनको आज तुम दिखा दो कि अगर वो हमसे वॉर चाहते हैं तो उन्हें ऐसी वॉर मिलेगी जिसके बाद वो कभी हमसे वॉर के लिए भी नहीं कहेंगे। इधर ब्रॉक्सटन में मेरी के पास अब डॉक्टर ब्लेक आ जाते हैं। फिर ब्लेक वहां से दूर जाके अकेले बैठ के चाय पीते हुए अपने एस्गार्ड के बारे में सोचने लगता है। पर तभी ब्लेक के पास नर्स आती है और ब्लेक को गुमसुम देख के बोलती है कि क्या ब्लेक इस थंडर से डर रहा है? अब उस लेडी को कौन बताए कि वो जिससे ये बात बोल रही है वो खुद में ही एक थंडर है। थॉर उस नर्स को कुछ जवाब दे पाता कि तभी वहां पर कुछ आदमी बोलने लगते हैं कि वो खुद को इस जगह पर छुपा के नहीं रह सकते हैं। उन्होंने 1982 और 80s में भी ऐसे तूफान का सामना किया है और इसलिए उन्हें बाहर निकलना ही होगा। वो लोग यहाँ पर खुद को इस जगह में बंद करके नहीं रह सकते हैं। तभी थॉर उन आदमियों के पास आता है और उनसे कहता है कि वो लोग यहीं पर रह के खुद को सेफ रखें। बाहर सच में ही एक खतरनाक तूफान है, उन्हें चोट भी लग सकती है। जिसपे एक आदमी कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस तूफान की वजह से वो अपने पड़ोसियों को नहीं भूल सकते हैं। यहाँ पर ये आदमी एस्गार्ड की बात कर रहा है। यहाँ पर वो आदमी फिर से कहता है कि मैं जानता हूँ वो एस्गार्डियन लोग हमसे भी ताकतवर हैं और हमारे जैसे इंसान नहीं हैं, लेकिन एक इंसान का फर्ज होता है कि वो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखे और आज वो लोग किसी मुसीबत में हैं। हमने खिड़कियों से देखा है कि एस्गार्ड में इस तूफान में भी आग लगी है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी ही होगी। थॉर उन लोगों की बात सुनके सोचने लगता है, मैं इन इंसानों के बीच में काफी समय से हूँ पर मैं इनको अभी तक नहीं समझ पाया। मुझे ओडिन ने इसी तरह की इंसानियत सिखाने के लिए अर्थ पर भेजा था। लेकिन इधर एस्गार्ड में हालात शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। एस्गार्डियन वॉरियर जितने भी स्कल्स को मारते जा रहे थे उतने और स्कल्स उस टेलीपोर्टर से निकल के आ जाते थे। एस्गार्ड में हर तरफ आग ही आग लगी थी और तभी वहां पर ह्यूमंस उस आग को बुझाने के लिए आ जाते हैं और उस आग को बुझाने लगते हैं। बीटा रेबिल उन स्कल्स को मारते हुए बोलता है, क्या अब भी कोई स्कल बचा है जो अब मुझसे लड़ना चाहता है? पर तभी आसमान में एक नया पोर्टल खुलता है और उसमें से एक स्क्रल निकलते हुए बोलती है, ही लव्स यू। और हमें उस स्क्रल के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर के दो टुकड़े भी नजर आते हैं जिसे उन स्क्रल्स ने बीच में से काट दिया था। और वो स्क्रल वॉरियर उस स्टॉर्म ब्रेकर को अपने हाथ में उठा भी पा रही थी, जिसको देखकर वहां सभी लोग बस यही बोलते हैं कि अब ये कौन है। और इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये स्क्रल वॉरियर आखिर है कौन जो स्टॉर्म ब्रेकर को भी उठाए है। और साथ ही में इन स्क्रल्स ने स्टॉर्म ब्रेकर को दो हिस्सों में बांट भी दिया है, जिससे अब ये बैटल और भी डेडली होने वाली है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें।